शक्तिपीठ डिजिटल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने इसके बाद स्थापना समारोह में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि-कोटि नमन करता हूँ। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहाँ हम सब एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र के प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोक निष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी पास हैं, हमारे शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मौके पर हम इंडिया गेट पर महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी ने हमें संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास, साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम की जगह ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा लगेगी। उन्होंने कहा कि नेताजी की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्था पीढ़ियों और कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली और वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने का फैसला लिया गया। जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है उन्हें मैं बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा है उस पर एक कहावत सटीक बैठती है, जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। क्या है होलोग्राम प्रतिमा की खासियत? पीएमओ के मुताबिक इस होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 ल्यूमेन 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा। एक अदृश्य हाई गेन 90% पारदर्शी होलोग्राम स्क्रीन इस तरह से लगाई गई है कि ये यहाँ आने वाले लोगों को नजर नहीं आ रही है। होलोग्राम का सटीक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। शक्तिपीठ डिजिटल में अभी इतना ही। धन्यवाद।